देखिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। इस टॉपिक के अंदर हम लोग सबसे पहले बीजी के अंदर बैकअप के बारे में सीखेंगे कि बैकअप क्या होता है और बैकअप का मतलब क्या होता है। मैं बता दूं, ये मेरे पास कंपनियां खुली हुई हैं सारी, जिस कंपनी का नाम है AK सॉफ्टवेयर सर्विस। मेरे लिए इंपॉर्टेंट कंपनी अभी फ़िलहाल नहीं है, ना कि डाटा कोई ज़्यादा भी नहीं है। अगर आप देखोगे तो 17 MB का डाटा है। याद रखना, जब बीजी कोई कंपनी फर्स्ट टाइम क्रिएट करता है, जो उसकी MB होती है वो 17 MB तक होती है। मतलब बीजी में बाई डिफ़ॉल्ट जो डाटा बना हुआ आता है वो 17 MB का डाटा बना हुआ आता है। अगर मैं आपको कोई दूसरी दिखाऊँ कंपनियाँ, तो उनमें डाटा ज़्यादा होता है। जैसे 155 MB, 26 MB, 17 MB, ठीक है, 155, ये सारी क्या हैं? ये MB हैं। मतलब इसमें इतना ज़्यादा डाटा हैगा। इस पर क्लिक करो, इसमें 6 साल का डाटा है, इसमें 1 साल का डाटा है। अब कभी कभी क्या होता है, सिस्टमों में वायरस आ जाता है, या हम लोग कभी काम कर रहे हैं, किसी ने हमने गलत काम कर दिया तो डाटा मिक्स हो जाता है। तो हर कोई क्या करता है, रात को, सुबह या शाम को बैकअप ज़रूर लेता है, ताकि उसका डाटा सिक्योर रहे। क्या रहे? डाटा सिक्योर रहे। आप काम करके जाते हो, आप कहते हो सर मेरे पास तो कंपनियां नहीं शो हो रही, आप लोग बैकअप लेके नहीं जाते, ताकि जब उठो तो 1 मिनट बैकअप लेके रख लो कहीं, ताकि कोई दूसरा पर्सन आपकी कंपनी डिलीट कर दो, आप रिस्टोर कर सको। सबसे पहले बैकअप बिजी में 3 तरीकों से लिया जाता है, मैनुअली, ऑटोमेटिक एंड कॉपी पेस्ट। क्या होता है? मैनुअली, कॉपी, ऑटोमेटिक और कॉपी पेस्ट। मैनुअली का मतलब, अभी ये एक एक कम, ये सारी कंपनियां शो हो रही हैं, नमस्ते, ये सारी कंपनियां शो हो रही हैं, इन कंपनियों का मुझे बैकअप लेना है। जो मैनुअल तरीका होता है ना, उनमें हम बैकअप एक बार में एक ही कंपनी का ले सकते हैं, वो नीचे आपको मिलता है, जिसका नाम होता है बैकअप। क्या टॉपिक होता है? बैकअप। इस बैकअप पर जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके पास वही कंपनियां शो हो जाएंगी जो आपकी सारी कंपनियां थी, ठीक है, जितनी कंपनियां थी वो सारी कंपनियां शो हो जाएंगी। जिस कंपनी का भी बैकअप लेना है उस कंपनी पर जाइए, इंटर मारिए, पासवर्ड यूज़र डालिए और ओके कीजिए। कहता है प्लीज स्पेसिफाई अ वैलिड यूज़र नेम एंड पासवर्ड फॉर द कंपनी ऑफ दिस, ठीक है। कहता है कंपनी का पासवर्ड यूज़र गलत डाल लो, ठीक है। बैकअप वही ले सकता है जिसको पासवर्ड यूज़र पता है, हर कोई नहीं ले सकता। आ गया टॉप पे, देखिए क्या लिखा है, कंपनी दिस नॉर्मल बैकअप एंड स्पेसिफाई पास फॉर द बैकअप दिस लोकेशन। हमने कहा दिस लोकेशन नहीं, अलग कोई लोकेशन, कहाँ पर? अमित। अब जो मैं बैकअप जाएगा मेरा, वो डी ड्राइव में जाएगा, डी ड्राइव में अमित नाम के फोल्डर को ढूंढेगा और उसके अंदर क्या कर देगा, बैकअप फेस कर देगा। कहता है सर 1 साल का डाटा, 2 साल का, या दोनों सारे? तो हमने बोला ऑल, और किस पे क्लिक कर दिया, ओके। क्या लिख क्या, स्टार्ट बैकअप एंड देन दिस, बैकअप चला गया सक्सेसफुली, बैकअप हो गया, क्लिक। अब कल को मैं काम कर रहा था और मेरी स्पीड थोड़ी तेज थी, तो मैं डिलीट, ओपन कंपनी जगह आने पे कहाँ पहुँच गया, डिलीट कंपनी, और मैंने ये कंपनी डिलीट कर दी। मैंने ध्यान नहीं दिया कि मैं डिलीट कंपनी कर रहा हूँ, ये मैसेज भी मेरे पास आया, डू यू वांट टू डिलीट, मैंने इसको इग्नोर कर दिया और इसको पढ़ा और डिलीट कर दिया, मेरी कंपनी डिलीट हो गई। जो कंपनी आपने डिलीट करी वो कंपनी यहाँ से गायब हो गई। अब जिसके पास वर्किंग कर रहे थे वो तो कहेगा कि मेरा इंपॉर्टेंट डाटा था, आपने डिलीट कर दिया। तो लेकिन मुझे पता था कि मैं रात को बैकअप लेके गया था, तो मैं कहाँ पहुँच जाऊँगा, रीस्टोर पे। जब आप पहली बार रीस्टोर लोगे तो बिजी आपका बंद हो जाएगा, इस तरीके का मैसेज आएगा। क्यों बिजी ऐसा क्यों बंद हो जाता है, जब रीस्टोर आता है तो पता नहीं क्यों बिजी ऐसा करता है और फिर बिजी 1 मिनट बाद बंद हो जाता है, ठीक है। फिर आपको बिजी को दोबारा ऑन करना है, रीस्टोर पे जाना है, फिर उसी लोकेशन का पाथ दे देना जहाँ आपकी कंपनी बनी हुई थी, ओके करना है और फिर ओके पे आ जाना। जैसे करोगे लिख के आएगा बैकअप फॉर दिस कंपनी एंड ओके एंड ओके। क्या हो गया, डाटा रीस्टोर सक्सेसफुल। अगर देखोगे तो ये कंपनी दोबारा आ गई, ठीक है, समझ में आ गया पहला तरीका बैकअप लेने का। एक चीज़ हमेशा याद रखना, बैकअप कभी भी उस लोकेशन में मत लेना जिस लोकेशन से कंपनी चल रही हो। कंपनी चल रही है डी ड्राइव के अंदर से, KR int
बिजी डाटा में, ठीक है। इस लोकेशन को छोड़ के किसी भी लोकेशन में जाके बिजी का क्या कर लीजिए, दे दीजिए बैकअप। ये हो गया मैनुअल तरीका, क्या कहते हैं इसको, मैनुअल तरीका बैकअप। क्यों नहीं ले सकते, एक ही जगह काम कर रहे हो और एक ही जगह पेस्ट कर दोगे तो ओवरराइट हो जाएगा। यहाँ देखो इसी कंपनी में क्या इसी नाम इसी डाटा के अंदर क्या तुम दोबारा से बैकअप पेस्ट कर सकते हो तो ओवरराइट हो जाएगा। एक नाम की फाइल दो जगह हो सकती है, एक ही पीसी में दो नाम की फाइल, एक नाम की फाइल दो हो सकती है, नहीं हो सकती ना। जब भी दो होंगी तो एक एरर आएगा कि ओवरराइट दिस फाइल, ओवरराइट दिस फाइल, क्यों कर रहा है वो, एक नाम की दो फाइल नहीं रहती, ठीक है। और कॉन्सेप्ट भी ये कहता है, लेकिन सर ये तो लंबा प्रोसेस है, ऐसा नहीं हो सकता कि मैं जैसी कंपनी बंद करूँ एक मैसेज आए डू यू वांट टू टेक बैकअप और नॉट, मैं यस करूँ तो बैकअप चला जाए, मैं नो करूँ तो बैकअप ना जाए। तो मैं भी वो भी कर सकता हूँ, मैंने कंपनी ऑन करी, मैं किस पे गया, पोस्टेड विद बैकअप और पासवर्ड उधर डाल दिया और कहाँ गया, कॉन्फ़िगरेशन पे आया और यहाँ से एक टॉपिक मिलता है बैकअप कॉन्फ़िग, इसको बोलते हैं ऑटोमेटिक बैकअप। इस पे क्लिक करेंगे और बैकअप का जो भी नाम होगा डाल दें। कहता है मंडे वाला बैकअप कब लोगे, मैंने बोला मैं बैकअप लूँगा डी ड्राइव, ऐसे देखो ऐसे डी ड्राइव में डाटा नाम का फोल्डर हो, डाटा नाम के फोल्डर के अंदर बैकअप नाम का फोल्डर हो, बैकअप नाम के फोल्डर के अंदर किसके नाम का फोल्डर हो, मंडे का। मैंने कहा डी ड्राइव में जाओ एक फोल्डर बनाओ, फोल्डर का नाम डाटा रखना, डाटा के अंदर एक और फोल्डर बनाना बैकअप का, बैकअप के अंदर किसका फोल्डर बनाना, मंडे का। आप देखो इसी लोकेशन पर पहुँच जाओ, विंडो प्लस ही करो, माई कंप्यूटर आएगा आपका, माई कंप्यूटर में डाटा नाम का फोल्डर मिला, डाटा नाम के अंदर किसका फोल्डर मिला, बैकअप का, बैकअप के अंदर किसका फोल्डर मिला, बन गया, खुद ही बनाएगा, ठीक है। क्योंकि डी ड्राइव फिर स्लैश की एक फोल्डर बनाओ, डी के अंदर एक और फोल्डर बनाओ डाटा, फिर स्लैश उसके अंदर एक और फोल्डर बनाओ बैकअप का, स्लैश उसके अंदर एक और फोल्डर बनाओ मंडे का, ठीक है। इसी फोल्डर को नीचे कॉपी पेस्ट करते जाओ और लास्ट के बाद चेंज कर दो, मंडे की जगह क्या कर दो, बिल्कुल बिल्कुल चला गया। अब आ जाइए यहाँ पर, देखिए सारे फोल्डर बन गए, खुद बनाया इसने, क्लियर है। अगर मैं यहाँ संडे वन करके एंटर मार दूँ तो फिर मैसेज आएगा डायरेक्टरी स्पेसिफाई एंड ठीक है डी ड्राइव डाटा बैकअप संडे वन डज नॉट एग्जिस्ट डू यू वांट टू क्रिएट दिस फोल्डर एंड देन यस टू क्रिएट, हो गया। अब देखो यहाँ पर किस नाम का फोल्डर बन गया होगा, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, प्रमोट फॉर द बैकअप एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग द कंपनी, जब कंपनी बंद हो तो मुझसे एक मैसेज आए डू यू वांट टू टेक बैकअप और नॉट, मैंने यस करा और एंटर मारा, नीचे वाले टॉपिक बिल्कुल नहीं क्लिक करेंगे और सेव कर दो, हो गया। जैसे ही इस बटन पे क्लिक करके डू यू वांट टू कंपनी करोगे एक मैसेज आ जाएगा, ठीक है, एंटर मारो। संडे, आज संडे था ना इसलिए किसमें चला गया, संडे वन में, वो अपने आप ले लेगा, चला गया बैकअप, क्लियर। दोबारा कंपनी खोलो, दोबारा काम करो, जैसे कंपनी सेव करोगे बैकअप चला जाएगा, चला गया बैकअप ऑटोमेटिक। हाँ कंपनी ऑन कर रहा हूँ अभी तो, फिलहाल कंपनी ऑन होगी, कहाँ जाओगे आप लोग, फिर कहाँ जाओगे और फिर बैकअप, और जो भी मंडे के अंदर इस वाली लोकेशन में चले जाए, ट्यूसडे इसमें, वेनसडे इसमें, थर्सडे इसमें, फ्राइडे इसमें, सैटरडे इसमें और संडे इसमें, और इस टॉपिक के लिए ये लास्ट वाला टॉपिक होता है, ये अनफोर्स करता है कि आप बिना बैकअप लिए जा ही नहीं सकते, आप बिना बैकअप लिए जा ही नहीं सकते। वहाँ मैसेज आता था यस और नो के लिए, यहाँ मैसेज आएगा बैकअप लो, तो आप ये भी कर सकते हो, अब तो बैकअप लेना ही है आपको, ठीक है, अपने आप से जाए। ये सबसे अच्छा तरीका होता है, कंपनी बंद करो बैकअप जाए, कंपनी बंद करो बैकअप जाए, कंपनी बंद करो बैकअप चला जाए, ताकि आप लोगों को टेंशन ना रहे, ठीक है।
तो ऐसा कर सकते हैं, ये कहलाता है आपका कौन सा बैकअप। दूसरा कि मुझे इन सारी कंपनियों का एक साथ बैकअप लेना है, क्या करना है इन सारी कंपनियों का। कंपनी चल कहाँ से रही है, पहुँचो डी ड्राइव में, फिर इसी फोल्डर को, पूरे फोल्डर को कॉपी कर लो और एक नया फोल्डर बना के उसका नाम रख दो बैकअप और आज की डेट डाल दो। कितनी तारीख है, 6/5/2018। ना कोई साइन यूज मत करना, इससे ऐसा लगता है कोई कोड हो, ठीक है, और आपको पता भी रहेगा ये डेट है, ठीक है, 6/5/2018, क्लियर है। हम लोग बैकअप ऐसे ही बनाते हैं, एंटर मार दो, कंट्रोल भी करके पेस्ट कर दो, तो ये भी एक बैकअप का तरीका होता है, ठीक है। चला गया बैकअप, ठीक है। तो ये बैकअप के तीन तरीके होते हैं। इतना समझ में आ गया आप लोगों को, किसी को कोई प्रॉब्लम है? अब आगे चलते हैं, ये बैकअप का काम सीख लिया आप लोगों ने, इसके बाद कुछ सॉफ्टवेयर बताने, जो सॉफ्टवेयर होते हैं रिमोट सपोर्ट सॉफ्टवेयर। आप जॉब पे जाओगे फर्स्ट टाइम, सर मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही है, तो आपकी हेल्प हम उस समय कैसे करेंगे, हम कैसे आपका पीसी चेक करें कि आप क्या काम कर रहे हो? आपको कोई चीज़ चाहिए नहीं जो आपको समझ नहीं आ रही, लेकिन हमें पता है वो कैसे होगी। हम चाहते हैं कि हम बैठे हो अपने ऑफिस में, आप बैठे हो अपने ऑफिस में, आपका पीसी लें और काम कर दें फटाफट। तो उस समय जो भी सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं उसे बोलते हैं रिमोट सपोर्ट सॉफ्टवेयर। मार्केट में ऐसे कई सारे सॉफ्टवेयर आते हैं, जैसे पहला सॉफ्टवेयर होता है टीम वीवर। कौन सा सॉफ्टवेयर होता है? टीम वीवर होता है, आई थिंक पीसी में नहीं है। पहला सॉफ्टवेयर होता है टीम वीवर, दूसरा होता है एनीडिक्स। यहाँ पर आइए रिमोट सपोर्ट पे क्लिक, क्या कह रहा है टीम वीवर? नहीं, यहाँ से नहीं करना चाहते, गूगल पे चले जाओ, बीजी की यूटिलिटी पे आ जाओ, यहाँ भी बीजी की यूटिलिटी में मिल जाते हैं टीम वीवर। यहाँ नहीं है तो कोई नहीं, चलो यहाँ सर्च कर लो, ठीक है, आ गया डाउनलोड फॉर टीम वीवर, क्लिक, और कहाँ चले जाओ डाउनलोडिंग पे, और नीचे आपको यहाँ पर डाउनलोड पे क्लिक करो। जैसे क्लिक करोगे यहाँ मिल जाएगा डाउनलोड टीम वीवर, इस पर क्लिक करो, आपका टीम वीवर डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए स्टार्ट हो रहा है। इसके अल्टरनेटिव एक सॉफ्टवेयर और होता है, जिस सॉफ्टवेयर का नाम है एनीडिक्स। ये सॉफ्टवेयर बहुत इजी है, इस सॉफ्टवेयर को यहाँ लिखो, क्लिक करो, ये ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाएगा, बस क्लिक कर दो इसकी वेबसाइट पे, जैसे ही पेज ओपन होगा यहाँ डाउनलोड अपने आप हो जाएगा। देखिए डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी, नहीं हुआ तो क्लिक कर दो डाउनलोड ना हो, ठीक है। देखिए सॉफ्टवेयर ये भी डाउनलोड हो गया, दोनों सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो गए। बस इस सॉफ्टवेयर को ऑन करो, ओपन करो, रन करो, बस ये आईडी आ गई, ये आईडी मुझे बता दीजिए। लेकिन जब भी ये आईडी मुझे बताओगे आप लोग, तो सबसे पहले उस जगह राइट क्लिक करके रन एज अ एडमिनिस्ट्रेटर करके ऑन करेंगे। क्या करेंगे आप लोग? राइट क्लिक करेंगे, फिर कहाँ पर जाएंगे? रन एज अ एडमिनिस्ट्रेटर, ताकि आपके सिस्टम की सारी परमिशन उस पर्सन को मिल जाए जो आपका सिस्टम एक्सेस करना चाहते हैं। बस रन एज अ एडमिनिस्ट्रेटर कर दीजिए और ये आईडी आप उसको बता दीजिए, तो सामने वाला क्या करेगा, ये आईडी टाइप करेगा। जैसे ही कंप्यूटर चल रही है स्मार्ट, मैं इस पर क्लिक करूँ, देखो ये पीसी कनेक्ट हो जाएगा किसी पीसी से, ठीक है। पता क्या चलता है कि कौन सा पीसी ऑन है, कौन सा पीसी नहीं है, जिसके अंदर यहाँ पर ग्रीन कलर का आइकन शो हो रहा है, ये ऑनलाइन है अभी, आ जाओ, और कोई ऑनलाइन नहीं है, ठीक है। तो आप इस तरीके से काम कर सकते हैं, बस अपने पीसी की आईडी मुझे बता दीजिए, हम आपको कनेक्ट कर लेंगे, ठीक है। दूसरा, इसके बाद एक और सॉफ्टवेयर हमने यूज बताया, वो टॉप है टीम में। इस सॉफ्टवेयर को ऑन कीजिए, पहले इंस्टॉल कीजिए। हम सभी जानते हैं पहले हमें किस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना होता है, उसके बाद हम सॉफ्टवेयर को क्या करते हैं, इंस्टॉल करते हैं। आ गया,
कह रहा है किस लिए करूँ, मैंने बोला पर्सनल यूज़ के लिए कर रहा हूँ, तो पर्सनल यूज़ पे क्लिक करूँगा और एक्सेप्ट कर दूँगा, ये मेरा क्या हो जाएगा, इंस्टॉल हो गया। ठीक है, ये इस तरीके से इंस्टॉल हो जाता है। दीपक जिस पीसी में रह गया उस पीसी में और डाल दे। ठीक है, क्लोज ये आ गया। बस इस पे आप टीम वीवर की आईडी बताइए, देन पासवर्ड बताइए, हम आपको कनेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो ये बेसिक सॉफ्टवेयर होते हैं, एटलीस्ट आपको इनके बारे में पता होना ज़रूरी है। ठीक है, बेस्ट फेस्ट वाला था ये वाला। ठीक है, इजी सॉफ्टवेयर है, ऐसे तो बहुत सारे टॉपिक आते हैं, माई आईपी एड्रेस आता है, अल्ट्रा वीवर आता है, ठीक है, पीसी टू पीसी आता है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं, उनका काम ही यही है, एक पीसी को दूसरे पीसी के साथ कनेक्ट करना। ठीक है, इसका यूज़ करके आप लोग काम कर सकते हैं। ठीक है, आगे समझ में टॉपिक ये याद रखना आप दोनों को, अगर किसी का फर्स्ट डे वर्किंग पे जाते हो, कोई चीज़ समझ नहीं आती है और आपको टाइम मिलता है कुछ पूछने के लिए, तो इसके ज़रिए आप पूछ सकते हैं। ठीक है।